Dear students welcome to this great institution of higher learning of Uzi Valley that is JLN Government College, Haripur, Manali for academic session 2021-22. In this academic session, हार्दिक स्वागत है ये महाविद्यालय एस्टैब्लिश हुआ था 2006 में और पिछले साल जो हमारी टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ रही वो अप्रॉक्सीमेटली 840 स्टूडेंट्स इनरोल रहे और हमारा जो फैकल्टी पोजीशन है टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स जो हैं हमारे महाविद्यालय के वो हैं ट्वेंटी टू इन ऑल सब्जेक्ट्स आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स माइ सेल्फ डॉक्टर विपन अठौर प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एम एस सी एम फिल जुअलॉजी विद पी एच डी इन वाइल्ड लाइफ साइंस फ्रॉम ए प्रेस्टिजियस इंस्टिट्यूट ऑफ द कंट्री दैट इज़ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हर लर्निंग सभी विद्यार्थी जो इस महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं वो हमारे न्यू डायनेमिक वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जे एल एन जी सी हरिपुर मनाली डॉट इन सभी विद्यार्थी जो आए हमारे वो नए विद्यार्थी हैं या हमारे जो विद्यार्थी प्रमोट हुए हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के वो एडमिशन प्रोसेस कॉलेज प्रोफाइल और एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से जैसे मैंने कहा कि हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है हाईली क्वालिफाइड है जिसमें अधिकांश लोग डॉक्टरेट हैं विद पीएचडी जैसे डॉक्टर राकेश राणा डॉक्टर महा योगेश डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर कविता कटोच डॉक्टर सोहन लाल डॉक्टर राम सिंह डॉक्टर हरीश चंद और डॉक्टर मनीष सूद और तमाम स्टाफ हाईली डेडिकेटेड और उनका जो एकेडमिक प्रोफाइल आप हमारे वेबसाइट में चेक कर सकते हैं हमारी नॉन टीचिंग के जो मेंबरान हैं उसका भी प्रोफाइल आप इस वेबसाइट के माध्यम से या इस पी के माध्यम से आप देख सकते हैं एक बात मैं अपने नए विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहता हूं कि ये बहुत हर्ष का विषय है कि पहली बार इस छोटे से महाविद्यालय को तीन नए कोर्सेज को शुरू करने का मौका मिला है जिसमें एम ए पोलिटिकल साइंस एम ए इंग्लिश इस अकेडमिक सेशन से स्टार्ट की जाएगी जिसका आप पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं मैं विद्यार्थियों को विशेषकर नए विद्यार्थियों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि पहली बार वोकेशनल कोर्स हमें मिला है और जो विद्यार्थी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अपना वन ईयर कोर्स करना चाहते हैं या टू ईयर कोर्स करना चाहते हैं या थ्री ईयर डिग्री कोर्स करना चाहते हैं वो इस बी वो कोर्स जो इस नए एकेडमिक सेशन से स्टार्ट होगा उसमें प्रवेश लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं उसी तरह पिछले वर्ष भी हमें एक नया कोर्स एनसीसी का मिला था जिसमें भी हमारे बीस विद्यार्थियों ने अपनी इनरोलमेंट करवाई थी अब ये प्रश्न उठता है कि वॉट इज़ गुड अबाउट आवर कॉलेज हिमाचल के चुनिंदा कॉलेजों में से एक महाविद्यालय जिसका अपना बहुत स्पेसियस और ब्यूटिफुल कैंपस है हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशियस क्लास रूम्स हैं बिग स्पोर्ट्स ग्राउंड है स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए और विशेषकर चारों ओर का जो सीरीन व्यू है उसको देखा जा सकता है जब आप इस महाविद्यालय में प्रवेश लेंगे ये हमारा महाविद्यालय 2017 में नेक एग्रीडिएटेड कॉलेज है विद बी ग्रेड और नेक्स्ट लेवल की जो हमारी एग्रीडिएशन है वो ड्यू है सितंबर 2021 में विशेषकर मैं अपने नए विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल हमारा महाविद्यालय उत्कृष्ट महाविद्यालय की श्रेणी में रखा गया जिसके तहत हमें सरकार द्वारा ग्रांट मुहैया कराई गई और उसके तहत हमने तीन नए स्मार्ट क्लासरूम को इंस्टॉल किया है एक नया हाईटेक कॉन्फ्रेंस हॉल को हमने इंस्टॉल किया है जिसकी सुविधा हमारे विद्यार्थियों को मिलेगी जैसे मैं कह रहा था कि व्हाट इज़ गुड अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन और द कॉलेज उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना के तहत हमें बहुत सारा नई आइटम्स चाहे वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो चाहे वो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हों चाहे वो आईटी लैब वोकेशनल लैब जिसमें कंप्यूटर्स, कंप्यूटर टेबल नए प्रिंटर्स हमारे स्टाफ की सुविधा व हमारे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए खरीदे गए हैं मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि पहली बार हमारा एक हाईटेक साउंड और ऑडियो सिस्टम हमने परचेज़ किया है इस स्कीम के तहत जिसका लाभ जो है हमारे विद्यार्थी कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं हमारे महाविद्यालय की एक बहुत ही स्पेसियस कैंटीन है जिसका बेनिफिट जो है हमारे विद्यार्थी उठा सकते हैं एक सूचना मैं अपने विद्यार्थियों को देना चाहता हूं कि पहली बार हमारे महाविद्यालय का अपना होस्टल बॉयज़ के लिए बिल्कुल रेडी है इन रेगुलेशन के बाद ये हमारे विद्यार्थियों को मुहैया कराया जाएगा जिसमें एस एसटी और ओबीसी के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी उसके बाद अगर कोई सीटें खाली रहती हैं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बॉयज़ के लिए मेरिट के आधार पर जो है ये सीटें अलाट की जाएंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हॉस्टल का लाभ ऊजी घाटी के बच्चे और जो लाहौल और पांगी के हमारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं वो उठा सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा कि हॉस्टल की जो सुविधा है इस नए एकेडमिक सेशन से हमारे विद्यार्थियों को मिलेगी मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। मैं जिक्र कर रहा था कि इतना खूबसूरत महाविद्यालय मुझे बहुत सारे महाविद्यालय में काम करने का मौका मिला लेकिन एक ऐसा खूबसूरत महाविद्यालय जिसकी स्पेशियस लाइब्रेरी है उसमें जर्नल रेफरेंस बुक्स पीरियडिकल्स न्यूज़पेपर उसका हमारे विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं एक बहुत ही हेल्दी एकेडमिक इन्वामेंट को इस कैंपस में देखा जा सकता है वेल well एक्यूब्ड हमारी लैब्स हैं चाहे वो बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री, फिज़िक्स और जोग्राफ़ी और म्यूज़िक को आप देखें उसकी सारी सुविधा हमारे विद्यार्थियों को मिलेगी हमारे पास अपना एक स्पेस एग्जामिनेशन हॉल है टीचर स्टूडेंट रेशो हमारी बहुत ही बेहतरीन है जिसमें स्टूडेंट अपने टीचर के स्किल का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा हमारे पास हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है कॉमर्स आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम्स में जिसका बेनिफिट आप स्टूडेंट्स उठा सकते हैं एक बात मैं अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहता हूं कि क्योंकि उत्कृष्ट महाविद्यालय की श्रेणी में हमारा कॉलेज को रखा गया है तो इस एकेडमिक सेशन से पूरे कॉलेज के ऑफिस वर्क को लाइब्रेरी को और स्टूडेंट्स रिलेटेड जो भी हमारा एम आई सी एस सिस्टम है मैनेजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इंफॉमेस उसकी सुविधा ईआरपी सॉफ्टवेयर जो एक कंपनी है हिम सॉफ्ट के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी तो एक कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ कॉलेज को पहली बार जो है ये सुविधा बच्चे उसको उसका पूरा पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं इसके लिए नॉमिनल जो सर्वर चार्जेस होंगे वो बच्चों को शेयर करने पड़ेंगे उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि ये सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज जो हैं हम अपने विद्यार्थियों को मुहैया करवा सकें जैसे मैंने जिक्र किया ये हमारा नया कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस क्विज डिस्कशंस और क्लासेस एक वर्चुअल और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से भी हमारे प्राध्यापकों द्वारा ली जा सकती हैं जैसा मैं बात करा था हमारा कॉलेज जाना जाता है टू ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा एंड को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ पिछले तीन सालों में ना जाने हमने कितनी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया है हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों की पर्सनैलिटी को इनरिच करना है आप कुछ ग्लिम्प्स देख सकते हैं प्राइज फंक्शन टू थाउजेंड का और उसके बाद जो है ये सारे ग्लिम्प्स सारे फोटोग्राफ हमारी एक्टिविटीज़ और हमारा जो एक क्राइटेरिया रहता है कि कॉलेज एजुकेशन में मैक्सिमम एक्टिविटीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाए बच्चों की पर्सनालिटी को इनरिच करने के लिए चाहे वो नेशनल साइंस डे हो क्विजिंग कॉम्पटिशन हो सेमिनार्स हो कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप हो और कॉन्फ्रेंसिस हों और साथ में जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हमारे महाविद्यालय ने ऑर्गेनाइज़ किया पिछले साल कोविड पेंडेमिक के दौरान मैक्सिमम एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज़ किया गया और पहली बार बेस्ट असाइनमेंट अवार्ड ऑनलाइन उसको भी उनके जो प्राइजेस थे वो हम हमने अपने विद्यार्थियों को मुहैया करवाए कि ताकि बच्चों में एक इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई की ओर और, और वो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो देते रहें अपने महाविद्यालय में तो आप देख रहे हैं कि हमारा महाविद्यालय जाना जाता है इन एक्टिविटीज़ के लिए कोई नशा मुक्ति अभियान कोई कॉन्फ्रेंस ये देखिए पहली बार ये हमारा सौभाग्य है कि पॉलिटिकल साइंस विभाग द्वारा ऑनलाइन वेब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी 30 जून 2021 को करवाया गया ये हमारे लिए हमारे छोटे से महाविद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है तो इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम अंजाम देते हैं और हमारा मेन फोकस रहता है कि कॉलेज के अंदर मैक्सिमम सब्जेक्ट रिलेटेड सोसाइटीज़ क्लब रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाए तो आप देख रहे हैं हमारा पास ओपन थिएटर है जिसमें क्लासेस के अलावा वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है कल्चरल प्रोग्राम्स टैलेंट फाइंडिंग हंट फ्रेशर एंड वेलकम पार्टीज को सारा का सारा हमारा इस तरह की एक्टिविटीज़ का प्रोफाइल आप हमारी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं तो समराइज वर्शन में मैं ये कहूँगा कि एक छोटा सा महाविद्यालय जिसने पिछले तीन साल में तीन राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंसिस को अंजाम दिया जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अप्रैल 2019 में हमने ऑर्गेनाइज़ की नेशनल सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ किया अगस्त 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस हिमालयन लैंडस के ऊपर दिसंबर 2019 में इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया उसके बाद कोविड पेंडेमिक आ गया उस दौरान भी हमने ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जैसे मैंने पहले कहा जून 2021 में वेब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन का आयोजन पोल साइंस विभाग द्वारा करवाया गया पोल साइंस और इंग्लिश विभाग द्वारा वन वीक वर्कशॉप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया तो आप भी कह सकते हैं कि एक छोटा सा महाविद्यालय जो जाना जाता है अपने एक्सलेंस के लिए अपनी एक्टिविटीज़ के लिए और मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि कॉलेज के इतिहास में पहली बार 2019 सितंबर में हमारे छोटे से महाविद्यालय ने एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जिसका नाम था एच यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल ग्रुप वन क्रिएटिविटी जिसका समापन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा समापन समारोह का कुछ ग्लिम्स फ़ोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं तो मैं ये कहूँगा कि वास्तव में जो है ऊजी वैली का ये एक ऐसा महाविद्यालय जिसने पिछले चौदह वर्षों में एक नई बुलंदियों को छुआ है तो मैं अपनी ओर से प्राचार्य होने के नाते आई वेलकम यू ऑल न्यू स्टूडेंट्स फॉर द एकेडमिक सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू in this great institution of higher learning and i request all my senior students to help our fresher or, or as well as junior students in their admission process so with this concluding remarks once again i welcome you all newcomer to this great institution of higher learning thank you very much